और अब बात हिंदुस्तान की वायु शक्ति की। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में भारत की हवाई ताकत पूरी दुनिया देख रही है। आज एयर शो से एक बड़ी खबर आई है। भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल एम मल्टीरोल कॉम्बैट फाइटर जेट को चुन लिया है। विक्रांत पर तैनाती के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मैदान में थे, फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, लेकिन बाजी राफेल ने मार ली है। तेजस जो है एयर शो में एक और बड़ी खबर आ रही है वो हमारे पास। वो खबर यह है कि भारत पूरी तरह स्वदेशी तेजस Mark 1A और Mark 2 फाइटर जेट बना रहा है, जिसकी पहली सीरीज 2024 की फरवरी में मिलेगी। ये रिपोर्ट देखें। भारत जिन 470 फाइटर जेट बनाने की योजना बना रहा है, इसकी पहली सीरीज 2024 की फरवरी में मिलेगी। इसमें सबसे पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1A और Mark 2 है, जिन्हें अगले साल फरवरी में लॉन्च किया जाएगा। इन 470 जेट में से 370 भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, जबकि 100 ट्विन इंजन वाले जेट नौसेना के लिए होंगे। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जा रहा है। जहां एक तरफ तेजस विमान का निर्माण किया गया, वहीं Mark 1A और Mark 2 का निर्माण भी किया जा रहा है। तेजस का इंजन DRDO ने तैयार किया है, इस फाइटर जेट का निर्माण HAL ने किया, यानी ये फाइटर जेट पूरी तरह स्वदेशी है। LCA Mark 2, जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन होंगे, ये मौजूदा तेजस से कई गुना अपग्रेड होंगे। तेजस Mark 2 की स्पीड Mach 2 यानी 3,457